ओम शांति। आप सबको दिल से प्रणाम, सलाम, दुआ और नमस्ते। गीतांजलि कार्यक्रम में आप सभी का पुनः आत्मीय अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत है। हम सब के मन में एक ही प्रश्न उठता रहता है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, क्या ये सब एक के ही नाम है या अलग अलग है? दुख के समय में इंसान आखिर भगवान को ही क्यों याद करते हैं? कौन है भगवान? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? आइए आज के इस कार्यक्रम में इन सब सवालों का, इन सब बातों का हम मिल करके अन्वेषण करें, विश्लेषण करें और भगवान के बारे में जाने पहचाने। तो शुरू करते हैं आज के पहले गीत से, जो कि दुखी मन के पुकार का प्रतीक है। इस गीत में गीतकार ये कहना चाह रहा है कि जब मुसीबतों का पहाड़ गिरता है तो भरोसे की नज़र उस सहारे दाता पर ही जाता है और मन में यही आस और विश्वास रहता है कि भगवान के हाथों में सब कुछ है, वही सब करेगा, वही सबको तारेगा। और इस गीत में लोग पुकारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला गीत, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा। Thank you.
इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे राजा, हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले। बहुत खूब, बहुत सुंदर गीत था, लेकिन इस गीत में भय और पीड़ित के भाव भरे हुए थे और इस गीत में आज के दुनिया के हालातों का वर्णन किया गया है कि कैसे आज की दुनिया उजड़ी हुई बस्ती के समान बन गई है। हर एक के दिलों में नफ़रत का जहर भरा हुआ है और कैसे कत्लेआम हो रहे हैं, ये सब वर्णन इस गीत में किया और साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देते हुए गीतकार कह रहा है, फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से कांटों भरी दुनिया। इन दोनों वाक्यों में फिर शब्द का उपयोग किया गया है। इसका भावार्थ यही है कि पहले ये दुनिया बहुत सुंदर थी, गुलशन के समान खिला हुआ खुशबूदार बगीचा था और हर एक के दिल में मोहब्बत और प्यार भरा हुआ था। इसलिए बार बार भगवान से यही कह रहा है, बार बार यही पुकार भगवान के प्रति है कि हे भगवान, जो दुनिया तूने बहुत सुंदर बनाई थी वही सुंदर दुनिया वापस दिला दो, सबके मन में प्यार और मोहब्बत जगा दो। परंतु भगवान की सही पहचान और सही पता ना होने के कारण ये जो पुकार है, ये जो दिल की आश है, शुभ आश है, वो गीतों में ही सीमित रह गई है और दुखी मन, भटका हुआ मन डर डर ठोकर खा करके भगवान को ही ढूंढने में लग गया है और कहता है, हे भगवान कहाँ है, कहाँ ढूंढूं, किधर ढूंढूं, कैसे प्राप्त करें आपको। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा अगला गीत दे रहा है, तो आइए सुनते हैं बहुत सुंदर और बहुत अनोखा गीत, भगवान है कहाँ रे तू। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं
मेरे नैन। जो भी रस्में है वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। सचमुच यह गीत भटके हुए भ्रमित मन की आवाज है, और क्यों भटका, क्यों भ्रमित हुए, इसका भी कारण इस गीत की पहली लाइन में बताई गई है। है सुना पूरी धरती तू चलाता है, है सुना तू भटके हुए मन को राह दिखाता है। अर्थात स्वयं ने भगवान को कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, अनुभव नहीं किया, लेकिन दूसरों के सुनी सुनाई बातों पर आकर के उस राह पर चल पड़े और आखिर स्वयं ही उस राह से भटक गए, दुखी हो गए। क्योंकि हर सुनी सुनाई बात सच्चे हुआ नहीं करते हैं, और मनमत परमत पर चल करके हम अपने आप को सत्यता से दूर कहीं झूठ की गलियों में स्वयं को भटका हुआ नजर आता है और पाता है। इसीलिए गीतकार यही कहता है कि कितना ही हमने नियम जप तप आदि किए, भगवान के आगे कितना ही सिर झुकाए, कितना ही नाम जपे, फिर भी भगवान तो कहीं मिलता नहीं। हम ये ना जाने तू क्या चाहता है, इसलिए हम क्या करें ये कुछ पता नहीं। एक और लाइन इसमें आता है कि भगवान का जिद हम सिर आँखों पर रख कर के पूरा करते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि क्या उस सुखदाता, शांतिदाता भगवान की अपनी कोई जिद हो सकती है? आपका विवेक, आपका दिल क्या कहता है इस बात पर? वास्तव में भगवान की अपनी कोई जिद नहीं होती। जिस जिद को पूरा करने के बाद ही वे अपने बच्चों को शांति और सुख दें,
नहीं, बल्कि भगवान को वही प्राप्त हो सकता है जिन्होंने अपने मन के भ्रम को समाप्त किया है, जिन्होंने मन्मत और परमत के आधार से बनाए गए जो गलत धारणाएं हैं, गलत धर्म हैं, उसको त्यज करके स्वयं को सच्चे दिल से भगवान के आगे अर्पण किया हो, भगवान के शरण में अपने आप को लाया हो। इसलिए इस रीति से जो स्वयं भगवान को जानते हैं, भगवान को पहचानते हैं, तो यही मन में पुकार होता है कि भगवान मैंने आपको जान लिया, भले ही इन आँखों से मैंने तुमको नहीं देखा लेकिन दिल से मैंने पहचाना। तो यही बात हमारा अगला गीत स्पष्ट कर रहा है कि कैसे भगवान, क्या है भगवान और कहाँ रहता है वो। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत, परमात्मा तू जग का आधार है। बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक गीत हमने अभी सुना। इस गीत के आधार से बहुत ही स्पष्ट रूप से परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ। परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। परमात्मा सभी आत्माओं से परम है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहा। सभी आत्माओं का पिता है, इसलिए वो परम पिता है। वे निराकार हैं,
वही ओमकार है और वही सार है, इसलिए वही जगत का आधार भी है। वही सत्यम शिवम सुंदरम है। और साथ साथ ये भी कहा कि परमात्मा अजूनी है, अर्थात स्वयं अवतरित होने वाला है। स्वयं अवतरित होकर के, साक्षी होकर के, संकल्पों से सृष्टि की रचना करने वाला और पालना करने वाला पालनहार भी है। और इसके साथ साथ ये भी बात स्पष्ट हुई, परमात्मा रहते कहाँ है। इस पांच तत्वों से परे छठा तत्व ब्रह्म महतत्व में वे रहते हैं और हम आत्माएं भी उनके साथ रहते थे। अभी वापस हमें वही जाना है। ये सारी बातें इस गीत के माध्यम से स्पष्ट हुई। परंतु परमात्मा को केवल जान लेना, पहचान लेना यह पर्याप्त नहीं है। परमात्मा के गुण को, उनकी शक्ति को अनुभव करना, उनकी महिमा को अनुभव करना, जब तक इसे स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक परमात्मा को यथार्थ रूप से प्राप्त किया ऐसा नहीं कहलाया जाएगा। इसलिए परमात्मा को जो है, जैसा है, उसे वैसे ही जानना, मानना, पहचानना इस मार्ग को बहुत कठिन मार्ग माना गया है। परंतु ये कठिन ज़रूर है, असंभव नहीं है। इसलिए मनुष्य आत्मा ये कहती है कि हे भगवान, तू सामने तो आ जाइए, प्रत्यक्ष रूप में हमारे समक्ष आकर के अपना अनुभव कराइए। ऐसे ही कुछ भाव को लेकर के हमारा अंतिम गीत आ रहा है। सुनते हैं बहुत मधुर और बहुत रमणीय गीत, जरा सामने तो आ जा चलिए। सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, प्यार का है ये तार पिया।
जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है, जरा सामने तो आओ चलिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मीठा गीत हमने अभी सुना। इस गीत में विश्वास और प्यार की भावना भरी हुई है भगवान के प्रति। आत्मा कहती है, भले ही परमात्मा हमसे छिपी है, हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु कब तक छिपे रहेंगे। अर्थात आत्मा को परमात्मा का अनुभव करना ही है, उनके प्यार का, उनके गुणों और शक्तियों का आत्मा को अनुभव होना ही है। ये विश्वास और प्यार के साथ ये गीत आत्मा ने गाया है और ऐसे ही गीतकार ने उस भाव को भर करके लिखा है। और साथ में बहुत ही सुंदर लाइन आती है, ये प्यार का आग है, ये प्रेम का तार है, यहाँ उठा वहाँ जला, यहाँ सजा और वहाँ बजा। कहने का भावार्थ यही है, अगर दिल में परमात्मा के प्रति प्यार है, सच्चा प्यार है, तो वो प्यार परमात्मा को पहुंचता ज़रूर है। याद याद से मिलता है, प्यार प्यार से मिलता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मा को परमात्मा से मिलने का दिल हो और परमात्मा को अपने बच्चों से, आत्माओं से मिलने का दिल ना हो। इसीलिए आत्मा और परमात्मा का मिलन होना ही है, इस विश्वास और प्यार भरा बहुत ही मधुर प्यारा सा गीत था। और आत्मा के इस विश्वास से सचमुच आत्मा परमात्मा का अनुभव कर ही लेंगे। आप सबने भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से परमात्मा को यथारथ रीति से जाना होगा, पहचाना होगा और अभी आप भी परमात्मा को अनुभव कर ही लेंगे। ऐसे शुभ भावना और शुभकामना के साथ अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले गीतांजलि के कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शत शत नमन करते हैं, शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।